अयोध्या धाम पूरी एक नई गति के साथ दुनिया की सबसे आध्यात्मिक और सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होकर के पूरे सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश का केंद्र बिंदु बनकर के उभरेगा। इसे रामनाथ स्वामी मंदिर का यहां पर कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस संकल्पना को और मजबूती देगा। अयोध्या धाम और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है, यानी अगर इसको कहें तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का ये प्रगाढ़ रिश्ता आज से नहीं हजारों हजार वर्षों की एक परंपरा है। हजारों वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो श्री हरि विष्णु जी के एक अवतार थे, वे जब श्रीलंका में माता सीता को की खोज के लिए निकले थे तो तमिलनाडु वह स्थान था जहां पर श्री रामेश्वरम के पवित्र स्थल पर उन्होंने सेतु बंध के निर्माण के पूर्व अपने आराध्य भगवान शिव की प्रगाढ़ आराधना की थी और शिव की कृपा से सेतु बंध का निर्माण भी होता है और रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब माता सीता को लेकर के प्रभु राम आ रहे थे तो माता सीता ने वहां पर आराधना करते हुए इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया था। एक पवित्र आध्यात्मिक संबंधों के साथ जुड़ते हुए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत एक है, इस संकल्प के साथ यह आध्यात्मिक परंपरा इन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मानबिंदुओं की स्थापना करते हुए आगे बढ़ रही है और आज अय्या जी ने इस संकल्प को और सुदृढ़ता प्रदान की है कि अयोध्या धाम में श्री रामनाथ स्वामी जी का भी भव्य मंदिर यहां पर बने। ये हमारी मत संप्रदाय और पंथों की
उपासना विधि की अनेकता के बाद भी एक भाव और एक भावना के साथ हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को ही आगे बढ़ा रहे हैं और वह संकल्प एक बार फिर से यहां पर देखने को मिल रहा है। बहन और भाइयों, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से काशी में काशी तमिल संगमम के दो महत्वपूर्ण संस्करण संपन्न हो चुके हैं। काशी और तमिल दोनों एक दूसरे के साथ किस रूप में जुड़े हुए हैं इसके बारे में वहां से आए हुए पूज्य संतों ने, विद्वानों ने और तमिलनाडु से आए हुए अनेक ऐसे महानुभावों ने इस संबंध को एक नई प्रगाढ़ता दी है। और काशी के बाद आज अय्या जी के कारण अयोध्या धाम भी तमिलनाडु के साथ जुड़ चुका है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। ये चीजें दिखाती हैं, अय्या जी एक ग्रेट स्पिरिचुअल सेंट हैं और आध्यात्मिक महत्व के कारण उनके द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रयास उसे एक नई गति देती है, एक नई दिशा देती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को और मजबूती देने का एक अभियान है। बहनों और भाइयों, ये तिथि या कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, एक तरफ हमारे संतों के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, उन स्थितियों में हमारे लिए श्री रामनाथ स्वामी जी का यह मंदिर, आज का यह कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह एक नई प्रेरणा हो सकता है, एक नई दिशा देने वाला हो सकता है। और इससे प्रेरित होकर के हम सब फिर से एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना प्राणपण से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं अभिनंदन करूंगा अय्या जी का, जिन्होंने लगातार इस दिशा में नए नए प्रयास प्रारंभ किए हैं और अपने प्रयासों के माध्यम से न केवल अपनी आध्यात्मिक साधना को बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने भारत की एकता के लिए, एकात्मता के लिए उसी अभियान को एक नई गति दी है जो हजारों वर्ष पहले केरल से निकला एक सन्यासी भारत के चार कोनों में चार पीठों की स्थापना करके भारत की सांस्कृतिक भारत की आधारशिला रखते हैं। ये क्रम वही है और वही फिर तमिलनाडु से निकला एक सन्यासी, एक आध्यात्मिक संत भारत की एकता के लिए, भारत के आध्यात्मिक उन्नयन के लिए किसी भी स्थल पर अगर कहीं कोई ऐसी बात है कि जिसके कारण थोड़ा अधूरापन दिख रहा हो उसकी पूर्ति के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयास तुल्य हैं, अभिनंदनीय हैं और मैं इसके लिए अय्या जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों,
भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर कालखंड में सांस्कृतिक रूप से एक रहा है, एक रहा है। हमारा वैदिक साहित्य इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है, हमारा शास्त्र इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भारत की संतों की परंपरा और हमारे धर्मस्थल इन बातों के प्रमाण हैं। हमने किसी भी कालखंड में सरकारें अलग अलग रही हो, लेकिन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता को कहीं भी खंडित नहीं होने दी। और यह इसलिए क्योंकि भारत की ऋषि परंपरा ने, भारत के संतों की परंपरा ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से इसे पूरी मजबूती प्रदान की है। आज उसी मजबूती को प्रदान करने के लिए तमिलनाडु से यहां पर अय्या जी अयोध्या धाम में आए हैं। अयोध्या धाम में उनका आगमन से रामनाथ स्वामी जी के इस भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना मेरा यह मानना है कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने में, पूरा मंदिर बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। यह काम तीव्र गति से चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अपने करकमलों से संपन्न किया है। समाज का पूरा नेतृत्व वर्ग उस अवसर पर अयोध्या धाम में था और अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुजनों ने 5 सदी के बाद अयोध्या में फिर से विराजमान हुए रामलला को अब तक दर्शन करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। मेरा यह मानना है कि अब अयोध्या धाम पूरी एक नई गति के साथ दुनिया की सबसे आध्यात्मिक और सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होकर के पूरे सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश का केंद्र बिंदु बनकर के उभरेगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं सरदेव भैया जी का, सरदेव अय्या जी का, पूज्य संतों का और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी उपस्थित श्रद्धालुजनों का, महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि श्री रामनाथ स्वामी मंदिर का यहां पर कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस संकल्पना को और मजबूती देगा। आप सबके इस आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। राम सरो मार जगन राम दीहि ज्ञान विद्याव ओ जगतो वनस्पतयो मार जगन ताभूद्वारा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।